सब्सक्राइब कीजिए तवा मसाला चैनल और क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पर और पाइए फूड रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, विरायतन म्यूज़ियम राजगुरुही में यहाँ पे बनाया गया है। तो मैं यहाँ पे विरायतन म्यूज़ियम आई हूँ। ये यहाँ का एंट्री गेट है। और यहाँ से हमें एंट्री टिकट लेके जानी है। पर हेड 40 रुपीज़ यहाँ की एंट्री फीस है। मायरा नानी पार्श्वजिनालय, यहाँ पे हमारा पार्श्वनाथ जी का जिनालय बनाया है। तो आइए सबसे पहले पार्श्वजिनालय के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम म्यूजियम की ओर जाएंगे। मेरे फैमिली के सारे लोग यहाँ पे आए हैं। मेरे अंकल आंटी है, मॉम डैड है, मायरा है और मायरा के पापा है। ये मंदिर की एंट्री है, विरायतन पार्श्वजिनालय। हम आए हैं, सबसे पहले प्रभु जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद म्यूजियम की विजिट करने हमें जाना है। मायरा, ये जिनालय के अंदर हम आ गए हैं। बोलिए श्री भूमिया महाराज की जय। जय भूमिया दादा। बोलिए श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। कंठे दणेन्द्र च सोचितम कर्म कुर्मति प्रभु सुल्य मनोवृति पार्श्वनाथ श्री येसु। बोल श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। आदिनाथ भगवान की जय। गुरु गौतम स्वामी की जय। गुरु गौतम स्वामी की जय। पद्मावती मात की जय। कितना बड़ा यहाँ पे जिनालय बनाया गया है। ये विरायतन म्यूजियम की एंट्री है। यहाँ पे आपको जब आप एंट्री गेट में 40 रुपीज़ पे करते हो तो उसी टिकट के साथ आपको इस म्यूजियम में एंट्री मिलेगी। यहाँ पे प्रभु जी महावीर स्वामी का पूरा जीवन चरित्र बना जीवन चरित्र बनाया गया है। उसी प्रभु जी महावीर स्वामी के जीवन चरित्र के ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये सारा म्यूजियम बनाया है। सभी ब्रेड क्राफ्ट मेड बाय ताइमा। ये जो ताइमा है, ये ताइमा है, उन्होंने ये क्राफ्ट बनाया है। ये देखिए तीर्थंकर महावीर स्वामी का ये 3D फोटोग्राफ यहाँ पे बनाया है।
ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की दोनों कृतियाँ ब्राह्मी और सुंदरी आदि मानव को जीवन की समस्त उपयोगी कलाओं का प्रशिक्षक दे रही है। अब देखिए यहाँ की जो कारीगरी है वो बहुत ही बढ़िया है। सभी चीजों को आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए अक्षय तृतीया के दिन राजकुमार श्रेयांश भगवान ऋषभ देव को इक्षु रस से वर्षी तप का पारणा करा रहे हैं। अखात्रिज के दिन प्रभु जी ऋषभ देव को राजकुमार श्रेयांश भगवान ने जो इक्षु रस से पारणा करवाया था उसे यहाँ पे जीवंत किया गया है। राजप्रसाद में खड़े चक्रवर्ती भरत की उंगली से अंगूठी गिर पड़ी है। भरत सुनी उंगली देखकर शाश्वत सौंदर्य की खोज में अंत लीन हो गए और राजप्रसाद में खड़े खड़े ही उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ये भरत चक्रवर्ती है, उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो यहाँ पे जीवंत किया गया है। और ये देखिए राजा मेघरथ पारधी को अपने शरीर का मांस काट कर देते हैं और शरणागत कबूतर की रक्षा करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि कबूतर है वो उसमें रखा गया है। ये देखिए नृत्य संगीत वाद्य के मधुमय वातावरण में भी नेमिनाथ पशुओं के करुण क्रंद को सुन लेते हैं। पूछते हैं सारथी से, आपके विवाह में होने वाले प्रतिभोज में इनका मांस काम में आएगा? राजकुमार सारथी के उत्तर से करुणार्द नेमिनाथ प्रभु पक्षियों को बंधन मुक्त कर विवाह मंडप से साधना शिखर की ओर चल देते हैं। ये नेमिनाथ भगवान जब शादी के लिए निकलते हैं तब उनको मालूम होता है कि उनके जान में पशुओं की बलि दी जाएगी, तो उसी वक्त वो लग्न मंडप से वापस लौट आते हैं। तो उस वक्त की कहानी को यहाँ पे जीवंत किया गया है। ये देखिए कितनी बारीकी से काम किया गया है। नृत्य वाजिंद्र पीछे महल भी बनाया गया है। सभी महारानी पटरानी सभी महाराज महल सभी को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे अंकारा गया है। अपने लाइफ पे कभी नहीं देखा होगा ऐसा। ये म्यूज़ियम है, एक बार ज़रूर से इस म्यूज़ियम की आप मुलाकात लीजिएगा। इन सभी के श्रृंगार देखिए कितनी बारीकी से किए गए हैं। वाराणसी के तट पर पंचाग्नि तप करते कमट को राजकुमार पांचवें ने टोका। तपस्वी यह कैसा तप है जहाँ प्राणियों को नष्ट किया जाता है? यह कहते हो पार्श्व कुमार ने अग्निकुंड से चलते सर्प युगल को निकाला। करुणा के देवता के हाथों शांत भाव से मृत्यु पाकर सब धर्मेंद्र पद्मावती रूप देवत्व को उपलब्ध है। सभी जगह पे इस तरह से इसका ये जो बनाया गया है उसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखा गया है। ये देखिए सर्प के ऊपर प्रभु पार्श्वनाथ विराजमान है और वो सबको बोध दे रहे हैं। सब जगह पे ताई माँ की यहाँ पे फोटो लगी हुई है। माता त्रिशला दिव्य स्वप्न देख रही है। महान स्वप्नों की दृष्टा माही महावीर जैसी महान आत्माओं को जन्म दे सकती है। ये देखिए
यहाँ पे पीछे त्रिशला माता सोई हुई है अपने बेड पे, और वो सभी सपने देख रहे हैं, और वो सभी सपने यहाँ पे ऊपर इस तरह से लगाए गए हैं। ये देखिए त्रिशला माता अभी गर्भवती है, और उस वक्त उन्होंने जो 14 सपने देखे थे वो 14 सपने इस तरह से यहाँ ऊपर लगाए गए हैं। आपको एक बार ऐसा ही लगेगा कि आप इसके अंदर है और इन सभी चीज़ों को आप जीवंत महसूस कर रहे हैं। ये देखिए त्रिशला माता का महल यहाँ पे बनाया गया है, उनके रहने की जगह यहाँ पे बनाई गई है। यहाँ पे ऐसी जितनी भी कठपुतलियाँ रखी गई है उनमें से किसी का भी ड्रेस रिपीट नहीं हुआ है, सभी को अच्छे से ड्रेस अप किया गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही डिलीशियस काम है। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी की अर्धरात्रि में महावीर का जन्म हुआ, धरती और आकाश प्रसन्न से जो उठा। आप देख सकते हैं जिस वक्त प्रभु जी महावीर का जन्म हुआ था उस वक्त की ये कहानी को यहाँ पे जीवंत किया है। ये देखिए झूले में त्रिशला माता के पास में प्रभु जी महावीर अभी सोए हुए हैं। बहुत ही बढ़िया बनाया है इसे, अब जरूर से एक बार इसकी मुलाकात लीजिएगा। वर्ल्ड का नंबर 1 म्यूजियम है ये, जरूर से आइएगा। मेरु पर्वत पर देवराज इंद्र ने अपनी गोद में बालक वर्धमान को बिठाया है। देव देविया स्वर्ण कलशों द्वारा वर्धमान का जन्माभिषेक करती है। ये देखिए ये मेरु पर्वत है, और मेरु पर्वत के ऊपर इंद्रदेव ने प्रभु जी महावीर को यानी कि वर्धमान जी को अपनी गोद में बिठाया है। कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ये सब कुछ किया है। एक दैत्य देव बालक के रूप में आकर वर्धमान के साथियों में मिल गया, बाद में विकराल रूप धारण कर वर्धमान को डराने लगा, लेकिन वीर वर्धमान ने मुष्टि प्रहार से पिशाच का दमन कर लिया। ये देखिए ये दैत्य सभी बालकों के साथ, ये छोटे छोटे बालक बताए हैं यहाँ पे, छोटे बालकों के साथ पहले खेलता है, उसके बाद वो विकराल रूप धारण करके सभी बच्चों को डराता है, लेकिन वर्धमान महावीर ने मुष्टि प्रहार किया और इस दैत्य का इस पिशाच का दमन कर दिया, ऐसा यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखिए ये सभी छोटे छोटे बच्चे बनाए हैं, कितने अच्छे से खेल रहे हैं। वर्धमान राजपाट छोड़कर त्याग मार्ग पर जाना चाहते हैं, अतः बड़े भाई नंदी वर्धन से आज्ञा मांगते हैं। कुछ समय रुक जाओ, वर्धमान बड़े भाई के आग्रह को स्वीकार कर लेते हैं। ये देखिए भगवान महावीर स्वामी और नंदी वर्धन राजा यहाँ पे विराजमान है, और वो उनके बड़े भाई से रजा मांगने के लिए जाते हैं कि मुझे संयम लेना है, मुझे दीक्षा ग्रहण करनी है। तो उसी वक्त नंदीवर्धन महाराजा अपने छोटे भाई वर्धमान यानी कि महावीर स्वामी को ऐसा बोलते हैं कि कुछ दिन यहाँ पे रुक जाओ, उसके बाद तुम संसार त्याग देना। तो उसी बात को यहाँ पे दर्शाया गया है। फिर ये देखिए भव्य राज प्रसाद में अनासक्त राजकुमार वर्धमान आत्मलीन बैठे हैं। उसी समय लोकांतिक देवता उपस्थित होकर प्रभु को भक्ति भाव से धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए प्रार्थना करते हैं। ये यहाँ पे राजकुमार वर्धमान आराम से बैठे हुए हैं, और उनके आसपास लोकांतिक देवता अभी उपस्थित हैं। फिर ये है
वर्धमान महावीर एक वर्ष से लगातार राजकोष का धन मुक्त दान से प्रजा को अर्पण करते हैं। ये देखिए प्रभु जी महावीर अपने सारे धन को प्रजा में बांटते हुए इसमें दिखाई देते हैं। ये प्रभु जी का महल बनाया है। ये मार्ग शीर्ष कृष्ण दशमी को सर्वस्व त्याग कर सबसे विदाई लेकर एकमात्र देव दुष्ट के साथ सत्य पथ की खोज में निकल पड़े हैं महावीर, और सभी चीजों को त्यागने के बाद सत्य पथ की और निकल पड़े हैं। ये प्रभु जी महावीर यानी कि वर्धमान निकल पड़े हैं। उस वक्त की बात को यहाँ पे जीवंत किया है, और ये सामने भी वो ही दिखाई दे रहा है कि जब महावीर स्वामी काउसक कर रहे थे उस वक्त की। ये देखिए जब प्रभु जी महावीर जंगल में विचरते हैं तब एक मानव उनके पास आकर उनके वस्त्र मांगते हैं, तो प्रभु जी महावीर ने अपने वस्त्र उतार के उन्हें दे दिया। उसे यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखिए प्रभु जी महावीर जब काउसक कर रहे हैं जंगल में तब एक देवदूत एक दानव उसे आके इस तरह से पीट रहा है, और इंद्र आके उन्हें रोकता है। उसे यहाँ पे दिखाया गया है। फिर ये देखिए शूलपाणी यक्ष के मंदिर में ध्यानस्थ खड़े हैं महावीर, भयंकर विविध रूप धारण कर उन्हें कष्ट देते हैं प्रभु महावीर को। जब महावीर स्वामी जाप कर रहे थे तब उन्हें अलग अलग रूप धारण करके दानव उन्हें परेशान कर रहे हैं, वो बात को यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखिए मेरी छोटी बेटी भी मेरी तरह वीडियो बना रही है। मायरा क्या कर रही हो? ये देखिए प्रभु जी जिस वक्त समूह वस्त्रण में बैठकर देशना देते हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है। बहुत ही अच्छा बारीकी से काम किया गया है। जिसने भी ये किया है उसे बहुत ही धन्यवाद। कभी ना देखा हो ऐसा यहाँ पे म्यूजियम बनाया है। ये श्रेणिक राजा प्रभु जी महावीर के पास बैठकर उपदेश ले रहे हैं। ये देखिए महाराज साहब यहाँ पे आशीर्वाद दे रहे हैं। ये ताईमा यहाँ पे विराजमान है, और उन्होंने हमें ये कलश दिया है, और इस कलश को अपने पूजा के स्थान में आपको रखना है। ये देखिए ताईमा खुद यहाँ पे सभी को दर्शन देने के लिए आए हैं। तो आज हमारा जीवन धन्य हो गया खुद ताईमा के दर्शन करके। ये पूरा म्यूजियम उन्होंने ही स्थापित किया है। और यहाँ पे देखिए ऐसा कहा गया है पेड़ पौधे फल फूल वृक्ष इन सभी को सुरक्षा हमें करनी है, उसको नष्ट करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो उसी बोध को यहाँ पे जीवंत किया गया है। और ये प्रकृति का दृश्य बनाया है। यहाँ से ये देखिए आपको पूरी स्टोरी दिखाई देगी।
जिस सेवा का हम उद्देश्य दे सकते हैं उसे हम स्वयं भी कर सकते हैं। इस विचार के प्रस्तुत का आचार्य श्री जगदीश जी दीक्षित पर प्रभाव कार्य देखा 2000 वर्ष की इस लंबी परंपरा में सर्वोचित परिवर्तन कर जय धर्म को जन जन तक पहुंचाने का उल्लेखनीय कार्य किया है। ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक विरासत से समृद्ध राजगृह में तीर्थंकर भगवान महावीर ने 14 चातुर्मास किए। वही वैभवी पर्वत की तलहटी में वर्ष 1970 में परम पूज्य गुरुदेव उपाध्याय श्री अमरनाथ जी महाराज के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से सेवा शिक्षा साधना के वीरायतों के और यहाँ से एग्जिट है। ये देखिए कितना अच्छा बनाया है, एग्जिट गेट है ये। मायरा ये देखो कितनी अच्छी ट्रेन यहाँ पे है। मायरा ये देखो, नहीं खेलने नहीं जाना है, सिर्फ आपको ट्रेन को देखना है। कितनी अच्छी ट्रेन है ना मायरा। ओहो मस्त मस्त चीज़। मायरा यहाँ पे देखो, मायरा मायरा ये देखो। हेलो मायरा, वहाँ पे आओ, आगे भी है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से बहुत अच्छे से गार्डनिंग की गई है। एक और ट्रेन है मायरा वहाँ पे। और ये देखो छोटा सा हाउस, आप वहाँ पे खड़े रहो। और यहाँ पे देखो मायरा, यहाँ पे देखो कितना अच्छा हाउस बनाया है। ये देखो ये तो यहाँ पे खेलने लगी। मायरा यहाँ पे देखो, बहुत ही अच्छी जगह है। ये छोटी छोटी ट्रेन रखी गई है। मायरा रुको रुको, यहाँ पे एक बार खड़े रहो। ओके मायरा आगे चलते हैं। वो दूसरा हाउस है मायरा, यहाँ पे यहाँ से जाना है। यहाँ से जाओ, यहाँ से जाना है मायरा, यहाँ से जाना है आपको। हाँ जाओ। ये देखिए मायरा को तो यहाँ पे बहुत ही मजा आ रहा है। गुड। ये मिथिला बनाया गया है, यहाँ पे लिखा है मिथिला, तो मिथिला नगरी बनाई गई है। मायरा यहाँ देखो, मायरा यहाँ पे देखो। ये देखिए बहुत ही अच्छी ट्रेन बनाई गई है, इंजन भी है और पटरियाँ भी बनाई गई है। ये ट्रेन चालू है पर अभी उसे बंद की गई है। और अभी मायरा हमें यहाँ से एग्जिट लेना है, यहाँ से बाहर निकलना है। ओके तो फ्रेंड्स, हमने पूरा म्यूजियम यहाँ पे घूम लिया है, अभी हमें यहाँ से एग्जिट गेट से बाहर निकलना है। मायरा को यहाँ पे बहुत मजा आ गया।